महाराजगंज। गंगा के कछार में बसा पुराना शहर, कभी अपना इतिहास के लिए गर्व करने वाला महानायक लोक को पैदा करने वाली ही धरती अब बाहुबलियों को जना करती है। अपराध के अंगार पर दहकती इस आबादी पर अब दहशतगर्दों का राज है। सरकारी ठेका, अपहरण, फिरौती, लूट, कानून व्यवस्था, राजनीति सब इन्हीं बाहुबलियों के इशारे पर चलती है। कहते हैं आजकल अमरकांत और बब्बन लाल इन्हीं दोनों महारथियों का डंका बजता है। सुनने में आता है कि करीब 11 साल पहले बब्बन लाल के हाथ अमरकांत के बहनोई का खून हो गया था और फिर शुरू हुआ हत्याओं का खूनी सिलसिला। जैसे जैसे दुश्मनी बढ़ी, पावर और पैसे की भूख भी बढ़ती गई। साल भर से बब्बन लाल जेल के सुरक्षित दीवारों के पीछे से अपना कारोबार चला रहा है और अमरकांत को उस घड़ी का इंतजार है जब उसका बदला पूरा होगा। भोला बाबा की बड़ी कृपा है आज पर, सिद्ध हो गए आज दुश्मन का विनाश और आपका विजय तो निश्चित है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ना जाने कहिया मिले तो हर बानोई के मुक्ति। 11 बरिस हो गई, अस्थि विसर्जित न भइल, कहे कि उ हत्यारा अभी तक जिंदा बा। करे के पड़ी दीदिया, हमरा पर भरोसा रख, ओकरा सजा हम देव, ऐसन सजा कि 7 पुस्तों तक ओकरा खानदान याद रखी। अ
अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। बड़ा बनते थे बब्बन लाल, ऐसा चाल चला अमरकान भाई कि बब्बन लाल चारों खाना चित। दिनकर जी बड़ा जोरदार छापते हैं अपना अखबार में, एक को रत्ती झूठ नहीं छापते हैं। तू क्या छापेगा? अरे ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि अमरकांत और बब्बन लाल के बीच सालों से घमासान चल रहा है। अब तो देखना ही है कि इस घमासान में जीतता कौन है। अरे बब्बन भैया जी कभी हारे हैं आज तक, जो आज हार जाएंगे। अरे अमरकांत जी को कम मत समझो, चश्मदीद गवाह तैयार किए हैं, जमानत नहीं होने देंगे, समझे? आज तो कोर्ट से जमानत मिली है भैया जी का। भैया जी के रहला से बड़ा रौनक रहल चल। भैया जी चल रही हैं तो सन्नाटा हो छे। चिंता काय करता है तुम लोग? तुम लोगों को भी बाहर बुला लेंगे। बुरबक चलो नहाने का तैयारी करो, सरकारी यात्रा पे जाना है। तू गोदी में रहा जब तो हर बाप ई दुनिया के छोड़ के चल गई, सोचली कि बेटा बड़ा होई ता हमार सब दुख दूर कर दी। भाई तू ऐसे काहे बोला था रू? आज कौनो गलती हो गई लपका हमरा से। हमार बात के ध्यान से सुना, तो हर बाप के अस्थि आज भी यह रखल बा। उ दिन के इंतजार करता जो उन दिन गंगा में विसर्जित हुई। ये हमार प्राण हा। जो उन दिन तुहर बाप के खूनी के मरल मुंह देखा, वह दिन अपना हाथ से ये हाथ से अस्थि के गंगा में विसर्जित करा। तू बेटा हुआ माई के प्राण पूरा करबनू। हाँ करबनू। हाँ माँ। हम पूछे तानी ये महाभारत कब तक चलत रही? मतलब जानती है ना हमको फालतू सवाल पसंद नहीं। फालतू बात नहीं खे, राहुल धर्म पत्नी है और शास्त्रों पुराण औरत के कुछ अधिकार दे लेवा। किस अधिकार का बात कर रही हैं आप? औरत का अधिकार होता है उसके पति के घर द्वार जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा पर, ये सब दिए नहीं है हम आपको, साड़ी कपड़ा गहना गुड़िया, कौन चीज का कमी रहा है? अब और क्या चाहती? मन का शांति। अरे का हो गई बार हुआ दोनों भाई बहन के, जी होके रहे से हो गई। अब पुरान बात के मन में बैठेला से का फायदा? दीदिया जी बेकारे अपन देह के तकलीफ देवे के खातिर बैठल बाड़ी, का मिली एकरा से? जीजा जी ऊपर से लौट के आइये का? अरे नहीं रहू खून खराबा पे उतारू बानी? अरे का होई सबसे? शांति, मन का शांति। सुहाग उजाड़ा वो बब्बनवा हमारी बहन का, ये बात हम कभी भूलेंगे नहीं। अदालत चाहे जो फैसला दे लेकिन उस कमीने का असल फैसला तो हम करेंगे, वो भी अपने हाथ से। हमरा के नहीं खे बुझात, कब तक चलत रही सिलसिला? आखिर कब तक जियत रही हम इन मार धार गोली बंदूक के बीच? बोली रहुआ के का मिलल ये सब करके आज तक? हमको का मिला का नहीं मिला इस सब से आपको मतलब? मतलब का ही नहीं खे, रहुआ हमार सुहाग बा और एक औरत खातिर ओकर सुहाग से बढ़कर दुनिया में कुछ ना होखेला। रहुआ के पता कि घर से बाहर निकलला के बाद जब तक रहुआ लौट के घर ना आवेला जान अटकल रहेला हमार।
ये न जाने कब का हो जाए। का होगा हमको, का होगा हमको, हर किसी का हिम्मत हमारे सामने आंख मिला के खड़े होने का, का विधायक और का मंत्री, सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक का पाबंद हो जाता है अमर खान का सिर्फ एक फोन जाने से। जाना तानी, बहुत बढ़िया से जाना तानी रउआ के बड़का औकात हैसियत की असलियत। आज रउआ पास ताकत बा तो लोग दरबार लगावत बा, अब बड़को दरबार में रउआ के पूछ पहुंच बा। लेकिन भगवान न करे कि कल के कोनो विपत्ति आए, तब देख ले एक मिनट में ये लोग अपन नजर फेर ले। बकवास, ये का सोच लिया आपने, का सोच लिया, का समझे आपका समय और समाज का। पहले ना रहे लेकिन जब से ब्याह के आईनी हमर आंख खुले लागल, रोज रोज की बदकही सुन के और दाव पेच देख के हमर बात मानी तो अभी हो ये रास्ता छोड़ दी। एगो बहुत पुरान कहावत बा, जब जागी तभी सवेरा। बहुत भाषण छाड़ चुकी आप, अब कान खोलकर हमरा बात भी सुन लो। अमरकांत जो करता है सोच समझ कर, सर उठाकर जीते आए हैं और आगे भी अपने अंदाज से ही जिएंगे। हम तो बस यही जानता नहीं कि खून खराबा मार धार ये सब छोड़ दी, अकाली अपन काम धंधा देखी, भगवान की दया से कोनो बात की कमी बाका, बढ़िया से खाए जिए लेल ठाकुर जी के देल सब कुछ बारल। हाथ जोड़त है अभियो रहुआ एक नया जिंदगी शुरू करी। पगलेट जैसा बात मत कीजिए, हम जिस लाइन में आ चुके हैं वहां बस एक उसूल होता है, मरो या मारो, गोली खाने और गोली मार दे दोनों के लिए तैयार रहना पड़ता है, चाहे तो दुश्मन को खत्म कर दो या खुद खत्म हो जाओ, और यही इस दुनिया की रीत है जो चलता रहा है और चलता रहेगा। माने एकर कहीं कभी कोनो अंत नहीं के? अंत तो सबका है, हमारा भी तुम्हारा भी, मरना तो सबको है एक दिन, लेकिन ये कुत्ता बिलाई जैसा जीने मरने का कोई माने मतलब नहीं। मर्द उहे कहलाता है जो शेर की तरह जीता है और शेर की तरह मरता है। नीचे आ गया सब। सुनी, मानती नहीं है आप, हम मैदान से आ रहे थे कि देखे कि बबन लाल चार आदमी के साथ झुरमुट से निकला और बाल मुकुंद बाबू पर हसुआ से हमला कर दिया। ठीक है, ऐसे ही बोलना, ठीक है। क्या हुआ वकील साहब, आपका गवाह लोग सब तैयार है कि नहीं? बिल्कुल तैयार है सर। ए, बता बता। जी मालिक। हुजूर, हम मैदान से आ रहे थे कि देखा बब्बन लाल चार आदमियों के साथ झुरमुट से बाहर निकला और उसने बाल मुकुंद बाबू पर हसिया से हमला कर दिया। करेक्ट है। चिंता काहे करते हैं अमरकांत जी, बच ना पाई, एक दो नहीं सात सात दफा लगाई है, चारों तरफ से छेके हुए हैं, कोई रास्ता नहीं छोड़े हैं, निकलेगा कहां से? अब आप सब निकलिए, टाइम हो रहा है। भैया जी, आपके लिए सरकारी गाड़ी आ गया है। गाड़ी सरकारी है तो क्या हुआ, हम खुद ही सरकार हैं। देख नहीं रहे हो तैयार हो रहे हैं, जाओ बोलो इंतजार करने के लिए। जी भैया जी। हमारा कोट कहाँ है? अभी लाई। जल्दी लाई, हम लेट हो रहे हैं। ये ले
रखिए। अरे क्या हुआ महाराज, अभी तक रेडी नहीं हुए, जज साहब को इंतजार करवाइएगा का। अरे इनसे कहिए, ये औरत लोग के कुछ समझ ही भी नहीं आता है। चुप रहिए, ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, जानते हैं बहुत बड़का वकील हैं आप। एक मिनट रुकिए, हम अभी आए। अरे आप कहाँ जाइए, लेट करा के छोड़ेगी। होम मिनिस्टर का ऑर्डर नहीं मानिएगा तो तुरंत सस्पेंड हो जाइएगा। अच्छा बहुत बढ़िया है, करवाइए दीजिए सस्पेंड। ये होम मिनिस्टर के अंडर में हमको रहने कोई शौक भी नहीं है। तो फिर दे दीजिए इस्तीफा। बस आइएगा, ये केस लड़ने वाला कोई मिलेगा नहीं। देखिए भरम में मत रहिए, जरूरत पड़ा ना तो सुप्रीम कोर्ट से वकील मंगवा देंगे। सब फेल हो जाएगा यहाँ बाबूजी, ये केस लड़ना इतना आसान नहीं है समझे। तो हमारा ऐसा वकील है कि पेशकार से लेके जज को मिला के लटकाए हुए हैं केस को। अरे इतना कमजोर मत समझिए जिया जी को, समझ गए ना कितना केस आया और गया, आज तक कौन कुछ उखाड़ लिया का जिया जी का। अच्छा तो जाइए, आप चले जाइए, बचा लीजिए अपने जिज्जा जी को। महाराज आप तो मतलब गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, हम तो मजाक कर रहे थे। लीजिए लीजिए, अब पहुने से मजाक ना करें, पहन लीजिए। आपको मजाक सूझ रहा है, केस में सब कुछ बाबूजी के खिलाफ है, तनिको चूक हुआ ना सीधे फांसी। आज बाबूजी को लेके आइएगा, वरना घर आने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलिए, माई का आशीर्वाद ले लीजिए। गोपाल जी, अब के हमार ना सुनम तो हम हुरवा के ना सुनम, जैसने कुसुम के पापा तकलीफ में मारन वैसे अब रवो तकलीफ में रही। जब तक साहेब ना आ जाइहन रही पानी में। आप चिंता ना करें माँ जी, हम बाबूजी को ले ही गए। बाबूजी बहुत है तकलीफ में बाढ़न, आज तक कहीं हो जेल में ना रहल, हम उनसे मिले गए रही, देखकर हमार करेजा फट गए। अरे दीदी ते चिंता मत कर, अब जीजा जी के एक घंटा से ज्यादा कोई जेल में ना रख सकी। अरे कैसे चिंता ना करी, उनकर जेल में जहर दे दे के मुआ दिया हसन था, वो अमर कंतवा पुलिस और सरकार के साथ मिलके साजिश रच लेबा। कौनो साजिश सफल ना होगे देव। ही सुना सुना 6 महीना हो गए, अब कितना धीरज रखी। केस मुकदमे में थोड़ा टाइम तो लगबे करी, हम तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा देले बानी। दीदी ते चिंता मत कर, हम ऐसा गेम खेलने बानी की ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जन आ जाइए तब फेल हो जाइए। जीजा जी आज घरे आवत नहीं, ते आशीर्वाद देखा ली। खुश गोपाल जी तोहरा के आबाद रखियो। ए कुसुम, वो टेंगरा को भेज के खस्सी कटवाओ, आज रात डिनर जीजा घर में करेंगे, ठीक है? चलिए पहुंचना। गोपाल जी एक बार साहेब के घर भेज दी, हम जिंदगी भर रवा के व्रत रखो। खुश रह, खुश रह, जीता रहा, जीता रहा, तू जीता रहा। नमस्ते भैया जी, भैया जी, प्रणाम, प्रणाम। उधर खड़ा रहो ना, हाँ अलर्ट रहो। प्रणाम जिया जी, कैसे हो बिंदा? एकदम बढ़िया। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश खुश चल, चल खुश रहो, खुश रहो, खुश चल, जीते रहो, जीते रहो, चल चल चलो, बैठा लो नहीं, बैठा लो नहीं। क्या समाचार है? सब इंतजाम पक्का बा। कौन कौन आ रहा गवाही के लिए? केशवा से करुआ और विदेशिया। बैठो जी, पढ़ाओ। क्या लगता है बाबा, मौका पे सब पलट तो नहीं जाएगा? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पक्का इंतजाम किया। बाकी आपके मन में कौन शंका हो तो दूसरा प्लान भी रेडी है। कौन है?
जब तक ग्रीन सिग्नल ना मिले एक्शन मत लीजिएगा। तू बब्बन लाल के बाल मुकुल सिंह पर हंसुआ से हमला कर ना देखला? ना 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 हुजूर। कलेजा ठंडा गई हमार। एक एक करके ओकरा समूचा खानदान के ऊपर पहुंचाए।